सर्दियों में गर्मा गर्म नाश्ता खाना किसे पसंद नहीं, तो फिर चलिए आज हम कुछ ऐसा नाश्ता तैयार करने वाले हैं जो सभी को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि अक्सर हम हरे मटर या फिर हरे तुवेर से बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन आज हम हरे तुवेर से इसे बनाएंगे। तो हरे तुवेर की पेटिस बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे तैयार किया है। हरे तुवेर की पेटिस तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी हरे तुवेर ले ली है और इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। हाँ, आप इसे बिल्कुल फाइन ना पीसिएगा, बस इस तरह से हमें दरदरा सा ही पीस लेना है। अब इसे निकाल लेंगे एक अलग से बाउल में और इसे हम रख देते हैं साइड पर। तो चलिए अब इसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसके अंदर ऑयल को गर्म करके एक चम्मच जीरा और इसके अंदर आधा छोटा चम्मच हम हींग ऐड कर देंगे। साथ में एक छोटी मीडियम साइज की हम ऑनियन को बारीक चॉप करके डाल देंगे और इसे लाइट पिंक होने तक इसे कुक कर लेंगे। और जैसे ही ये लाइट पिंक हो जाए तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पे आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमें कुक कर लेना है, जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो चला ना जाए। अब क्रश किया हुआ हम इसमें तुवेर ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे। चलिए साथ में मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, 1 चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर 1 चम्मच और चाट मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। साथ में हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसे हमें तब तक कुक करना है कि जब तक ये जो हरे तुवेर है ना वो अच्छे से प्रॉपर कुक नहीं हो जाते। 4 से 5 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मूँगफली का पाउडर मैंने ऐड किया है और फ्रेश हरा धनिया 1 मुट्ठी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने आलू इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, गैस को बंद कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं अलग से बाउल में। और ये जो बैटर है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो बैटर यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पे चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 लेमन जूस मैं ऐड करूँगी ताकि एक चटपटा सा फ्लेवर आ जाए और बहुत ही टेस्टी हमारा ये जो स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसके इसके छोटे छोटे से हम बॉल तैयार कर लेंगे। हम ये अंदर का स्टफिंग है तो इसे इस तरह से छोटे छोटे बॉल हम तैयार करेंगे ना, तो हमें स्टफ करने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने सभी स्टफिंग को तैयार कर लिया है। तो ये तो हो गई अंदर की लेयर, अब बढ़ते हैं ऊपर के लेयर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर इसे इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और साथ में 3 बड़े चम्मच भर कर कॉर्नफ्लोर या फिर आरा लोट, आप जो भी इसे कहते हैं, वो ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इस्तेमाल करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि हमें एक डो की तरह इसे बना लेना है, जैसे हमें एक मैदा या फिर आटे का एक डो तैयार करते हैं ना, बस इस तरह से। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। ऑयल ऐड करने से ऊपरी सरत बहुत अच्छे से चिकनी हो जाती है। तो फिर ये लीजिए, हमारा आलू का जो डो है वो भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें एक छोटा सा पोर्शन लेंगे जितना हम एक पूरी का लेते हैं, बस उतना ही। और लेने के बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं बिल्कुल भी, और इस तरह से पूरी की तरह यहाँ पर फैला देंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ऑयल को भी लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये फ्लैट हो पाए, देखिए इस तरह से। अब जो हमने स्टफिंग तैयार किया है, एक बॉल लेंगे और इसके अंदर डालकर चारों तरफ से इसे अच्छे से सिमेट लेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही फटाफट से ये तैयार भी हो जाता है। देखिए इस तरह से हमें इसे सील कर लेना है और थपथपाते हुए इस तरह से राउंड एंड राउंड करते जाएंगे ना, तो इस तरह से एक बहुत अच्छा सा हमारा जो बॉल है ना वो बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये जो पैटीज है ना इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। एकदम चारों तरफ से बिल्कुल ही शाइनिंग वाला जो पैटीज है ना वो तैयार करेंगे। तो इसी तरह से सभी पैटीज को मैंने बस रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं।
पेटीज को फ्राई करने से पहले हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और कॉर्नफ्लोर को पेटीज में इस तरह से लपेट लेंगे ताकि ऊपरी लेयर जो है ना वो सिक्योर हो जाए और एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर है उसे हम अच्छे से झाड़ देंगे। तो सभी पेटीज को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो वन बाई वन सभी पेटीज को इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये जो तेल का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा हाई ना हो और बहुत ज़्यादा स्लो ना हो, एक मीडियम हमारे टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है ताकि हमारी पेटीज जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो पाए। पेटीज को एक मिनट के बाद हम कलछे की हेल्प से इस तरह से गर्म ऑयल इस पर छिड़क देंगे ताकि ऊपरी लेयर भी अच्छे से ये पकना स्टार्ट हो जाए, और चम्मच की सहायता से इस तरह से राउंड एंड राउंड करेंगे ना तो इसकी साइड जो है ना वो चेंज होती रहेगी और जैसे ही पेटीज हमारी कुक होने लगेगी ये अच्छे से फूलने लगेगी। तो बस इस तरह से हमें इसे साइड को चेंज करते रहना है और इसे बस हमें कुक करते रहना है। तो 4 से 5 मिनट का वक्त लग जाएगा इसे कुक होने में। तो ये देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी पेटीज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पेटीज रेडी है, तो चलिए अब हम फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म हमारे हरे तुवेर की पेटीज बनकर रेडी है। आप चाहे तो मटर की भी बना सकते हैं या फिर सूरत में ना नारियल की पेटीज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इसी मेथड से नारियल की भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे हरे तुवेर की पेटीज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको किस तरह की पेटीज खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। Thanks for watching.